सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तापसी पन्नू की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में, और ये फिल्में आने वाले सालों में काफ़ी तगड़ा धमाका करने वाली है। मैं बहुत दिनों के बाद अपकमिंग मूवीज़ के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप आप सब इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, और जैसे आपने बाकी सब वीडियोज़ को प्यार दिया है, मुझे भरोसा है आप भी इस वीडियो पर उतना ही प्यार देंगे। अगर आप तापसी पन्नू के डाइट फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और लाइक के साथ वीडियो को स्टार्ट करिए। तो बिना बात गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तापसी पन्नू की फर्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है हसीन दिलरुबा। ये एक रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विनील मैथ्यू ने। बात करें स्टारकास्ट की तो तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे और अभिजीत सरसोरी यानी कि आदित्य श्रीवास्तव लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के राइटर कनिका ढिल्लो हैं, जिन्होंने साथ ही साथ फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले भी लिखा है। फिल्म में विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू पति पत्नी के रोल में नजर आएंगे, तो वहीं फिल्म में तापसी पन्नू के लवर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे। फिल्म में तापसी पन्नू रानी कश्यप का रोल प्ले कर रही हैं, जो लेखक दिनेश पंडित की बहुत बड़ी फैन है। फिल्म में एक डायलॉग है, पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा। मजा नहीं है? तो चलिए खुद तापसी पन्नू के मुंह से ये डायलॉग सुन लेते हैं। पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा। तो वहीं विक्रांत मिश्रा के कैरेक्टर का नाम है ऋषु। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे को एक और मौका मिला है खुद को साबित करने का, जो वो डिजर्व भी करते हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और फिल्म के सारे लाइमलाइट कातिल बनी हसीना तापसी पन्नू लेकर गई हैं। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म 2 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जाएगी। सेकेंड नंबर पर है रश्मि रॉकेट। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आकर्ष खुराना ने। बात करें स्टारकास्ट की तो तापसी पन्नू, प्रियांशु पेन्योली और अभिषेक बनर्जी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में तापसी पन्नू स्प्रिंटर यानी कि धावक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में तापसी पन्नू एक गांव की लड़की बनी हुई है, जो गुजरात के कच्छ गांव से है, और तापसी के कैरेक्टर का नाम है रश्मि। इस फिल्म के लिए तापसी पन्नू के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद हर कोई दंग हो गया था। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म हसीन दिलरुबा की तरह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, और रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म अमेजन प्राइम इंडिया पर रिलीज होगी। तापसी पन्नू की थर्ड अपकमिंग मूवी के अपडेट्स पहले, अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड की अपकमिंग न्यूज़ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड नंबर पे है लूप लपेटा। ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और ये फिल्म रीमेक होने वाली है जर्मन की फिल्म रन लोला रन, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आकाश भाटिया ने। बात करें स्टारकास्ट की तो तापसी पन्नू, ताहिर राजभाषण और श्रेया धनवंतरी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में तापसी पन्नू सभी का रोल प्ले कर रही हैं, और ताहिर राजभाषण सत्या का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म 22 अक्टूबर 2021 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स, फिल्म्स इंडिया और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पर है शाबाश मिठू। ये एक स्पोर्ट्स बायोग्राफिकल ड्रामा होने वाली है, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राहुल ढोलकिया। बात करें स्टारकास्ट की तो तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगी, और आपको बता दें कि शाबाश मिठू फिल्म इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज की लाइफ पर बेस्ड होने वाला है। तापसी पन्नू एज मिथाली राज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि तापसी पन्नू मिथाली राज की फ्रेंड नुसिन अल खादिर से ट्रेनिंग ले रही हैं, और साथ ही साथ मिथाली राज की आइकॉनिक बैटिंग स्टाइल भी सीख रही हैं। फिफ्थ नंबर पर है दोबारा। ये एक साइफाई फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग कश्यप। बात करें स्टारकास्ट की तो तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगे, और इस फिल्म का टीजर के साथ साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है, और जल्दी फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का ये सेकेंड कोलेबोरेशन होने वाला है। इससे पहले दोनों ने मन मर्जियाँ फिल्म दी थी, और इस फिल्म के टाइटल में ही बहुत बड़ा क्लू छुपा हुआ है, और इस फिल्म में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में किया गया था। सिक्स नंबर पर है वो लड़की है कहाँ। ये एक रोमांटिक ड्रामा होने वाली है, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अरशद सैयद। बात करें स्टारकास्ट की तो स्कैम 1992 फेम एक्टर प्रतीक गांधी और तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगे, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। आपको बता दें कि स्कैम 1992 के बाद प्रतीक गांधी के पास भी बहुत सारी फिल्मों के ऑफर मिले हैं।
तापसी पन्नू की 7th अपकमिंग मूवी होने वाली है डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ। एक सोशल कॉमेडी ड्रामा होने वाली है। बात करें स्टार कास्ट की तो शाहरुख खान और तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब तापसी पन्नू और शाहरुख खान साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। बात करें स्टोरी की तो ये फिल्म इमिग्रेशन पे बेस्ड होने वाली है। इमिग्रेशन का मतलब जब कोई आदमी एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर बस जाता है। शाहरुख खान फिल्म में इमिग्रेंट का रोल प्ले कर रहे हैं जो पंजाब से कनाडा चले जाता है। 8th नंबर पर है तड़का। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होने वाली है और इस फिल्म से प्रकाश राज डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं। बात करें स्टारकास्ट की तो अली फजल, नाना पाटेकर, तापसी पन्नू और श्रिया शरण प्रोमिनेंट रोल में नजर आएंगे। और ये 2011 में आई मलयालम की ब्लॉकबस्टर फिल्म सॉल्ट एंड पेपर का रीमेक होने वाला है। इस फिल्म की स्टोरी गोवा में बेस्ड होने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग लगभग 2016 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन शूटिंग कंप्लीट भी हो गई और प्रोड्यूसर्स के बीच इश्यूज के वजह से फिल्म अभी तक रिलीज भी नहीं हो पाई है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के एक्टर्स को उनकी सैलरी भी नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये थी तापसी पन्नू की अपकमिंग मूवीज़ की लिस्ट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप तापसी पन्नू की कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।